हेलो लर्नर्स, आज हम देखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट यूज्ड बिफोर अ मेन वर्ब टू शो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, विलिंगनेस एसेट्रा। तो ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं, टू शो कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन और विलिंगनेस। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, लाइक शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर। तो ये सारे मॉडल्स हैं जिनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। आज हम दो मॉडल्स पे बात करेंगे, शैल एंड विल। विल और शैल जो है वो फ्यूचर के एक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे हिंदी में हम पहचाने तो गा गी गे के जो एक्शन होते हैं वो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, जैसे खाऊंगा, मैं सोऊंगा, वो देखेगा, इस तरह से। तो विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रिट, इन तीन तरह से हम विल और शैल को यूज़ कर सकते हैं। विलिंगनेस मतलब सिंपली हम जब बात करते हैं फ्यूचर के एक्शन की, कि वह जाएगा, वह देखेगा, वह स्कूल जाएगी, सिंपल। प्रॉमिस वर्ड से इंडिकेट हो रहा है कि निश्चित करने के लिए, बात को सर्टेन करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए विल या शैल का यूज़ करते हैं। वह ज़रूर जाएगा, वह ज़रूर मेरे घर आएगी, इस तरह से। और थ्रेट मीन्स धमकी। जब हम किसी को थ्रेट करते हैं, जब किसी को धमकी देते हैं, तो हमेशा फ्यूचर का एक्शन यूज़ करते हैं। जैसे तुम अगर मेरे घर नहीं आई तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, अगर तुम वहाँ नहीं जाती हो तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो इस तरह से जो हम किसी को धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं, तब क्या यूज़ करते हैं? विल या शैल यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे इनको? विलिंगनेस के लिए जब हम बात करते हैं, तो विलिंगनेस में हम सिंपली आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाते हैं। यू, दे, ही, शी, इट, प्रॉपर नाउन, या जो भी सब्जेक्ट बचा आई या वी को छोड़कर, उनके साथ हम विल लगाते हैं विलिंगनेस में, मतलब सिंपली जब हम बात करते हैं। लेकिन जब प्रॉमिस करना हो, निश्चित करना हो बात, तब जस्ट उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ हम विल यूज़ करते हैं और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ शैल यूज़ करेंगे जब हमको बात निश्चित करनी हो। और थ्रेट के लिए, डराने के लिए, धमकी देने के लिए हम वो देखेंगे कि अगर हम मजाक में धमकी दे रहे हैं, अगर हम निश्चित नहीं कर रहे हैं बात, तो हम विल या शैल जैसा ये विलिंगनेस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यदि हम डरा रहे हैं, एक्चुअल में किसी को धमकी दे रहे हैं, तब हम प्रॉमिस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि हम डराने, धमकी देने के दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक तो पक्का वादा, इरादा वाला कि हाँ ये करना ही है, और एक मजाक में जो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं। आई शैल गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊँगा। आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं जनरली विलिंगनेस के लिए, तो ये विलिंगनेस को इंडिकेट कर रहा है। आई विल गो टू हर पार्टी, मैं उसकी पार्टी में जाऊंगा। पहले सेंटेंस में क्या था? आई शैल गो टू हर पार्टी, तो आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, तो ये विलिंगनेस को इंडिकेट कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में आई विल गो टू हर पार्टी, आई के साथ विल यूज़ हुआ है, मतलब ये निश्चित हो गई बात, सर्टेन हो गई, प्रॉमिस हो गई कि मैं उसकी पार्टी में ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई विल नॉट गो टू हर पार्टी, शी विल बीट मी, अगर मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा तो वह मुझे पीटेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्रीट हो रहा है, डरा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? आई के साथ विल यूज़ किया, धमकी मिल रही कि अगर मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा तो वह मुझे पीटेगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राहुल विल प्रोटेक्ट यू, राहुल तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। राहुल के साथ सिंपली क्या यूज़ करेंगे? विल, तो ये विलिंगनेस को इंडिकेट कर रहा है। राहुल शैल प्रोटेक्ट यू, राहुल के साथ यहाँ पे शैल यूज़ हो गया, मतलब राहुल तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा, बात निश्चित हो गई, राहुल तुम्हें ज़रूर सुरक्षा देगा। तो यहाँ पे प्रॉमिस हो गई, सर्टेनिटी हो गई, निश्चित हो गई बात। इफ़ राहुल विल नॉट प्रोटेक्ट यू, हिज फादर विल चाइड हिम, यदि राहुल तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसके फादर उस पर चिल्लाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे थ्रीट है, धमकी मिली कि यदि राहुल उसकी रक्षा नहीं करता, उसको प्रोटेक्ट नहीं करता, तो उसके पापा उसको चिल्लाएंगे, उस पर गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे थ्रीट है, इसलिए यहाँ पे विल यूज़ हुआ है सिंपली, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि डांटे उसे, ठीक है। मेरी अनुपस्थिति में रिया सारा काम ज़रूर संभाल लेगी, ज़रूर संभाल लेगी, कौन? रिया। तो रिया के साथ जनरली हम क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे निश्चित हो रही बात कि ज़रूर संभाल लेगी, तो रिया के साथ क्या यूज़ करेंगे? शैल, रिया शैल हैंडल
ऑल द वर्क इन माई एब्सेंस, रिया मेरे एब्सेंस में सारा काम संभाल लेगी। यदि चोर सब कुछ नहीं बताएगा तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, पक्की धमकी मिली कि यदि चोर सब कुछ नहीं बताएगा तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। तो चोर के साथ क्या यूज़ होगा, सिंपली विल यूज़ होगा। इफ़ द थीफ विल नॉट स्पीक एवरीथिंग, यदि चोर सब कुछ नहीं कहता, द पुलिस शैल नॉट रिलीज हिम, पुलिस के साथ जनरली क्या यूज़ होगा, विल यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे धमकी मिली कि नहीं छोड़ेगी बिल्कुल, तो यहाँ पे पुलिस के साथ क्या यूज़ होगा, शैल, द पुलिस शैल नॉट रिलीज हिम। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, सिंपल बात हो रही, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, शैल यूज़ होगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। सेकंड सेंटेंस में क्या है, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, ज़रूर निश्चित हो गई बात कि वह तुम्हारी मदद करेगा ही, तो वह के साथ क्या यूज़ होता है, जनरली विल यूज़ होता है, पर यहाँ पे ज़रूर की बात हो रही, निश्चित हो रही, तो क्या यूज़ करेंगे, शैल, ही शैल हेल्प यू, मतलब वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल, विल या शैल आपको फिल करना है। दे ग्लैडली एक्सेप्ट द ऑफर, वो खुशी से ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, कोई निश्चित बात नहीं हो रही, तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे, जो विल यूज़ करते हैं दे के साथ, दे विल ग्लैडली एक्सेप्ट दी ऑफर। सेकेंड एग्जाम्पल, यू नॉट गो अनटिल यू टेल मी द होल ट्रुथ, सेड द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे, अब पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि जब तक तुम सारी सच्चाई नहीं बता देते तुम नहीं जाओगे, तो यहाँ पे तुम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे पुलिस ने धमकी दी है, तो यू के साथ क्या यूज़ होगा, धमकी मिल रही है, तो यू के साथ जनरली विल यूज़ होता है, धमकी मिल रही है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, शैल, यू शैल नॉट गो अनटिल यू टेल मी द होल ट्रुथ, तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई ना बता दो, चोर से पुलिस कह रहा है। When the book arrive, अब सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुक कब पहुँचेगी, ठीक है, बुक मंगाया गया है तो पूछ रहे हैं कि बुक कब तक पहुँचेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल when the book, बुक की बात हो रही तो बुक के साथ क्या यूज़ होगा, will, when will the book arrive, बुक कब पहुँचेगी। He certainly come with me, certainly निश्चित ही मेरे साथ आएगा, वह निश्चित ही मेरे साथ आएगा, तो ही के साथ जनरली क्या यूज़ करते हैं, विल, पर यहाँ पे सर्टेन हो गई बात, निश्चित हो गई है, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे, ही शैल सर्टेनली कम विद मी, ही शैल सर्टेनली कम विद मी। आर कंट्री डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी आर सफरिंग फ्रॉम, हमारी कंट्री जो है डेफिनेटली निश्चित रूप से ही इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाएगी जिससे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आर कंट्री के साथ जनरली क्या यूज़ होना चाहिए, विल, पर यहाँ पे डेफिनेटली लिखा है, निश्चित लिखा है, तो क्या यूज़ होगा, शैल, आर कंट्री शैल डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी आर सफरिंग फ्रॉम, सो दिस इज़ शैल एंड विल। बाकी मॉडल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, विल और शैल के यूज़ आप समझ गए होंगे, थैंक यू।